हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरेंसर क्लासेट आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास इलेवंथ की हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर टेन और इस चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल और जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट टू यहां पर लिखा हुआ है तो पार्ट वन ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है और बच्चों इतना कहना चाहूंगा कि आप कम से कम एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा वहां पर आपको इलेवंथ क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो भी वीडियोज हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है जिसमें टू मार्क्स क्वेश्चन भी कवर होंगे और थ्री मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे अब चलते हैं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके लिए क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है वाई डिड जीन जेकस रूसो एडमायर द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका ऐसा क्या रीजन था कि जो जीन जेकस रूसो है जो कि एक फ्रेंच फिलासफर थे उन्होंने नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका की यानी वहां के रहने वाले लोगों की बहुत तारीफ की है तो ऑप्शन आपके सामने है देवर गुड हंटर्स देवर एक्सपर्ट ट्रेडर्स देवर एक्सपर्ट स्विमर्स या फिर हम कहें देवर अनटस्ट बाय द क्रप्शन ऑफ सिविलाइजेशन तो यहां पर क्या रीजन आपको लगता है जिसकी वजह से चीन जेकस रूस ने उनकी तारीफ की होगी तो यहां पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी देवर अनटस्ट बाय द कुरप्शन ऑफ सिविलाइजेशन यानी उनके माइंड में क्रप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के लिए फॉर हुम वॉज अ टर्म द नोबल सेविज यूज ये किन के लिए यूज हुआ है ये वर्ड द नोबल सेविज तो ऑप्शन आपके सामने है द स्पेनिश द फ्रेंच द रशियंस या फिर लास्ट ऑप्शन है द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका तो बच्चों हम कह सकते हैं ये जो टर्म यूज हुआ है द नोबल सेविज ये यूज हुआ है द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका के लिए उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है फ्रेज हम कह सकते हैं यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर है हु वाज थॉमस थॉमस जेफरसन जेफरसन कौन थे तो ऑप्शन आपके सामने है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या फिर द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या फिर फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या होना चाहिए अफकोर्स यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए थे जो टॉमस जेफरसन है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए विस स्टेटमेंट इज टू अबाउट द फर्स्ट यूरोपियंस हु विजिटेड अमेरिका अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उन फर्स्ट यूरोपियंस के बारे में सही है जो अमेरिका जिन्होंने विजिट की थी तो ऑप्शन आपके सामने है देवर हंटर्स देवर लायर्स देवर ट्रेडर्स, दे ट्रेडर्स और देवर सिंगर्स तो यहां पर बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए हम कहेंगे कि जो यूरोपियंस सबसे पहले वहां पहुंचे थे वो एक्चुअल में कौन थे देवर ट्रेडर्स ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के लिए वाई डिड मैनी ऑफ द यूरोपियंस लीव यूरोप एंड गो टू अमेरिका ऐसा क्या रीजन था कि बड़े सारे यूरोपियंस ने यूरोप छोड़ के जो है वो अमेरिका की तरफ चले गए थे तो ऑप्शन आपके सामने है प्रोटेस्टेंट्स प्रीडोमिनेटली लिविंग इन कैथोलिक कंट्रीज अब देखिए यहां पर ऐसा होता था कि अगर क्रिश्चियंस का अलग अलग रिलीजन है प्रोटेस्टेंट्स भी हैं कैथोलिक भी हैं अगर प्रोटेस्टेंट्स एक जगह पर एक एक जगह पर रहते हैं तो कैथोलिक उनके साथ इनजस्टिस करेंगे अगर उनका नंबर कम है अगर कैथोलिक्स कहीं रहते हैं जहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म ज्यादा है तो वहां भी दिक्कत थी या फिर थर्ड ऑप्शन है कि मैनी ग्रुप्स ऑफ यूरोपियंस हु वर परसिक्यूटेड बिकॉज या उनको काफी परेशान किया गया बिकॉज दे वर ऑफ ए डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी या फिर ये रीजन आपको लगता है कि एक्यूरेट होना चाहिए या फिर लास्ट में हम कहेंगे कि सभी के सभी ऑप्शन ही करेक्ट हैं तो यहां पर बच्चों हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन आते हैं जैसे प्रोटेस्टेंट्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली लिविंग इन कैथोलिक कंट्री में थे वो भी प्रॉब्लम थी या कैथोलिक्स जो है वो उन कंट्रीज में थे जहां प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो ज्यादा एक बड़ा ऑफिशियल रीजन था तो ये कुछ एक प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से बहुत सारे यूरोपियंस जो है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर गए और वहीं सेटल हो गए थे क्वेश्चन ट्वेंटी एट है जेफरसन्स ड्रीम अब आपको बताना जेफरसन्स का सपना क्या था तो ऑप्शन आपके सामने है अ कंट्री पॉपुलेटेड यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म्स या फिर अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद लार्ज फार्म्स तो हम कहेंगे जो जेफरसन का ड्रीम था वो था ऑप्शन ए ए कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म्स ऑप्शन ए हम कहेंगे यहां राइट right आंसर है ट्वेंटी नाइन है वेन डिड कनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम इन टू एग्जिस्टेंस कब ऐसा हुआ कि कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनका एग्जिस्टेंस हुआ या वो हमारे सामने आए तो ऑप्शन आपके सामने एट द एंड ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी एट द एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी एट द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी या फिर एट द बिगनिंग ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी जो है कैनेडा और अमेरिका जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी के लिए फ्रॉम विच कंट्री वॉज मच ऑफ द साउथ यूएसए वॉज वोन बाय द यूएसए अब देखिए साउथ यूएसए का मैक्सिमम पार्ट जो है किस कंट्री से जीता गया था यूएसए के द्वारा तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस स्पेन इंग्लैंड या फिर मैक्सिको से तो यहां पर जो राइट right आंसर है जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी मैक्सिको से काफी सारा साउथ यूएसए का पार्ट जो है वो यूएसए ने जीत लिया था ऑप्शन डी यहां करेक्ट है अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी वन के लिए पीपल ऑफ विच कंट्री वर हैपी टू वर्क इन प्रेयरी ग्रास देम ऑफ द स्टेपीज ऑफ देयर होम्स यानी किस कंट्री के लोग जो हैं बड़े खुश थे प्रेयरी ग्रास में काम करके जो उनको याद दिलाती थी अपने घरों की जो स्टेपीज होती थी यानी ओपन एरियाज जो हैं काफी दूर, दूर दूर तक उनको दिखता था वो सब कुछ सेम तो वो लोग कौन थे स्पेन स्पेन के लोग थे या फिर जो है फ्रांस के लोग थे या पोलैंड के लोग थे या फिर जर्मनी के लोग थे वो तो बच्चों यहां राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर है वो लोग थे पोलैंड के जिनको जो प्रेरी ग्रासलैंड में काम करते हुए अपनी स्टेपीज की याद आती थी अपने घरों की जो सराउंडिंग्स की याद आती थी क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए वेन वॉज द बाब वॉयर इन्वेंटेड बाब्ड वॉयर कब इन्वेंट हुई थी तो ऑप्शन आपके सामने सेवनटी सिक्स तो हम कहेंगे जो बाब्ड वॉयर की इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी ऑप्शन ए एटीन सेवनटी थ्री में क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है वेन वॉज कैनेडा वोन बाय द ब्रिटिश अब ब्रिटिश ने कैनेडा को कब जीता था किनसे आफ्टर ए वॉर विथ फ्रांस यानी फ्रांस से लड़ने के बाद ऑप्शन आपके सामने है इन एटीन हंड्रेड 1763 या फिर 1755। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 1763 में आ, फ्रांस से जीता था कनाडा को ब्रिटिश लोगों ने अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए वेन वॉज कैनेडा ऑर्गेनाइज एज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स कब जो है कनाडा ऑर्गेनाइज किया गया था एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स के तौर पे तो ऑप्शन आपके सामने है इन 1867, 1877, 1890 या फिर 1874 सेवनटी यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1867 में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हु अनाउंस्ड एन इंपॉर्टेंट जजमेंट इन 1832 थर्टी टू कॉलिंग द चेरोकीज ए डिस्टिंक्ट कॉम्युनिटी ने जो है चेरोकीज को एक डिस्टिंक कम्युनिटी कहा था और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस की थी 1832 में तो ऑप्शन आपके सामने है चीफ जस्टिस जॉन स्टीफन चीफ जस्टिस जॉन मार्लो चीफ जस्टिस जॉन मार्शल या चीफ जस्टिस जॉन एंड्रयू तो यहां पर राइट right आंसर बच्चों क्या होना चाहिए तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने ऐसा कहा था कि जो चेरोकीज हैं वो एक डिस्टिंकट कम्युनिटी है आप चलते हैं क्वेश्चन थर्टी सिक्स के लिए इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि चेरूकीज के साथ बहुत बुरा हुआ था और उनको वहां से भगा दिया गया था इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है हु रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ जस्टिस जजमेंट एंड ऑर्डर द यूएस आर्मी टू इविक्ट द चेरूकीज फ्रॉम देयर लैंड अब किसने ऐसा किया था कि चीफ जस्टिस के डिसीजन को नहीं माना और यूएस आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि इनको यहां से निकालो अब यहां पर ऑप्शन आपके सामने है स्पेनिश ने द फ्रेंच ने यूएस प्रेसिडेंट टॉमस जेफरसन ने या फिर यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने तो हम कहेंगे जो राइट right आंसर है वो क्या होगा यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने ऐसा किया था उन्होंने इनको यहां से निकालने का हुक्म दे दिया था यूएस आर्मी को कहा था कि इनको यहां से निकाल दिया जाए और दूर भगा दिया जाए किसी और एरिया में अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी सेवन वेयर वर द चेरोकीज ड्रिवन अब यहां आपको यही बताना है कि उनको कहां जो है भेज दिया गया था तो ऑप्शन आपके सामने है टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट टू द दहारन डेजर्ट टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट या टू द ग्रेट अफ्रीकन डेजर्ट तो इट्स वेरी क्लियर यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ इनको भगा दिया गया था ऑप्शन सी यहां राइट आंसर है क्वेश्चन थर्टी एट देखिए आउट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड कि काफी सारे जो हैं वन क्वार्टर जो है यानी फोर्थ हिस्सा जो है ऑलमोस्ट वो लोग मारे गए चेरुकीज कारण क्या था इंटरनल राइवलरी की वजह से या उनकी आपस में इंटरनल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर ट्रेल ऑफ इस कह सकते हैं या फिर ऑल ऑफ दीज तो यहां पर जो राइट right आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी जो 1500 हंड्रेड की हम बात करें उनमें से जो अगर वन फोर्थ लोग मारे गए तो वो था ट्रेल ऑफ टीयर्स की वजह से यानी बहुत डिफिकल्ट उनका जो जर्नी थी वो निकलना वहां से क्वेश्चन थर्टी नाइन देखिए परमिटिव मैन विल डिसअपियर परमिटिव एनिमल ये किसने लिखा था तो ऑप्शन आपके सामने है अ विजिटिंग फ्रेंच मैन ने जर्मन विजिटर ने अ अस्पेनिश विजिटर या फिर एक रशियन विजिटर ने तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है अ विजिटिंग फ्रेंच मैन जिसने ये सब कुछ लिखा था कि परिमिटिव मैन यानी जो बहुत पुराने आदमी हैं वो खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे जो है परिमिटिव एनिमल भी खत्म हो जाएंगे तो ऑप्शन जो राइट right है वो है ऑप्शन ए अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्टी के लिए वट वर सच एरियाज कोल्ड वे आर मैनी ट्राइबल पीपल वर लॉकड ऑफ अब बड़े सारे ट्राइबल पीपल को कुछ एरियाज में लॉक ऑफ कर दिया गया था उन एरियाज को क्या कहा जाता था तो ऑप्शन आपके सामने है रिजर्वायर्स रेस्टोरेशंस रिजर्वेशंस या फिर आयरन सेल्स तो ऐसी जगह को कहा जाता था रिजर्वेशंस ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्टी वन के लिए हुड गोन फॉर एन आर्म्ड रिवॉल्ट इन कैनेडा कैनेडा में आर्म्ड रिवॉल्ट किसने किया था आर्म्ड होता है हथियारों के साथ लड़ाई या रिवोर्ट किसने किया था बाय द मेटिस बाय द फ्रेंच बाय द जर्मन बाय द स्पेनिश और हम कहेंगे यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए बाय द अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू के लिए डिड द ऑफ डिमांड ए लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड फ्रॉम द दीफ सीटल अब जो प्रेजिडेंट यूएस के उन्होंने यूएसए के जो प्रेजिडेंट है उन्होंने काफी सारा बड़ा हिस्सा जो है जमीन का मांगा था फ्रॉम द चीफ सी एटल से कब तो ऑप्शन आपके सामने है एटीन सेवन एट एटीन फिफ्टी फोर 1876-1870 तो यहां पर जो है राइट right आंसर क्या होना चाहिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है है वो ऑप्शन बी 1854 में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के लिए व्हाट लेड टू द गोल्ड रश फॉर द यूरोपियंस अब गोल्ड रश यानी सोने की दौड़ जो है किस वजह से हुई यूरोपियंस में ऐसा क्या रीजन था तो ऑप्शन आपके सामने है वेन सम्रेसिस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन यूएसए इन कैलिफोर्निया इन एटीन या फिर 1820s में ऐसा हुआ था या 1830s में हुआ था या फिर 1850 में हुआ था तो बच्चों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जब कुछ ट्रेसिस मिले सोने के कहां पर यूएसए में कैलिफोर्निया में 1840s में तो उनके बीच में सोने को लेकर जो है एक दौड़ हो गई थी कि सोना ढूंढते हैं क्वेश्चन 44 है व्हेन वाज यूएसएस रेलवेज कंप्लीटेड यूएसए के रेलवे कब कंप्लीट हुआ था तो ऑप्शन आपके सामने है बाय 1870 1860 1850 1840 तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है ऑफ कोर्स राइट ऑप्शन है जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं एटीन को हुआ था क्वेश्चन 45 में देखिए वेन वॉज कैनडाज रेलवेड अब कैनेडा का रेलवे कब कंप्लीट हुआ था तो ऑप्शन आपके सामने हैं 1885, 1890, 1895 और 1900 तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है बाय 1885 जो हम कह सकते हैं कनाडा का रेलवे वो कंप्लीट हुआ था तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा बट दिस इन नो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर देखिएगा सो तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे